इन देशों के बीच विवादों को लेकर काफी चर्चा में बना रहता है। ऐसा ही कुछ साल 2020 के जून महीने में देखने को मिला था। लद्दाख घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी, जिसके बाद चीन ने एक्चुअल कंट्रोल रेखा यानी कि LAC पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी थी, जिसके साथ बुनियादी ढांचों को भी बढ़ावा देना जारी कर दिया था। US डिपार्टमेंट की डिफेंस पेंटागन एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक ये दावा किया गया था। US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने कहा कि विगत एक साल के दौरान चीन ने भारत से सटी सीमा पर न केवल सैनिकों की तैनाती में बढ़ोतरी की है बल्कि लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाए हैं। इससे क्षेत्र में एक बार फिर चिंता बढ़ने लगी थी। पेंटागन की रिपोर्ट में कहा गया था कि 2022 में LAC के पास चीन की ओर से अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटी, नई सड़कें, पड़ोसी देश भूटान के पास नए गांव, सेकंड ब्रिज ऑन पेंटागन लेक, दोहरे इस्तेमाल होने वाले हवाई अड्डे और हेलीपैड विकसित किए गए हैं, जिसमें चीन ने परमाणु हथियार भी बढ़ा दिए थे। पहले के मुकाबले और अधिक परमाणु हथियार बनाने की वजह से उसके पास अब 500 परमाणु हथियार हैं। दावा है कि चीन का लक्ष्य 2030 तक 1000 परमाणु हथियार बनाने का है। भारत और चीन की एक्चुअल कंट्रोल रेखा पर ड्रैगन सैनिकों की तैनाती भी कम नहीं कर रहा है। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक थिएटर कमांड से पूर्वी हिस्से में 3 हल्के से मीडियम CAB और LAC के सेंट्रल एरिया में एक्स्ट्रा 3 CAB तैनात किए गए हैं। हल्के CAB का हिस्सा वापस चला गया है, लेकिन उससे अधिकतर सैनिक सीमा पर बने हुए हैं। आपको बता दें कि भूटान से सची गलवान घाटी के पास जून 2020 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इसमें चीनी सैनिकों को भारी नुकसान हुआ था। करीब एक महीने तक दोनों देशों की सेना एक दूसरे के आमने सामने खड़ी रही थी। बाद में डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत के बाद स्टैंड ऑफ खत्म कर दिया गया था। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे जनतंत्र डिजिटल के साथ।